अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी लेफ़्ट ओवर राइस कटलेट की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चाहिए आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स: 2 कप बॉयल राइस, 2 बड़े आलू बॉयल हुए हुए और मैश हुए हुए, 1 कप मैदा, 1/4 कप मटर बॉयल हुए हुए, 1/4 कप शिमला मिर्च चॉप्ड हुई हुई, 1/4 कप गाजर चॉप्ड हुई हुई ब्रेड क्रम्ब कोटिंग के लिए, हरा धनिया चॉप्ड हुआ 2 टेबल स्पून, 1/4 कप कॉर्न बॉयल हुए हुए, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। सबसे पहले एक बाउल में 2 कप राइस ऐड करके इसको हाथ की हेल्प से अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अच्छे तरीके से मैश करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 बॉयल आलू मैश हुए हुए, 1/4 कप गाजर, 1/4 कप मटर, 1/4 कप शिमला मिर्च, 1/4 कप कॉर्न, 2 टेबल स्पून चॉप्ड हरा धनिया, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट और लेमन जूस ऐड करके सभी इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपस में कंबाइन कर लेंगे। अच्छे से मिक्सिंग के बाद हम इसके बनाएंगे कटलेट, और फिर उसके बाद हम उसको एक बैटर रेडी करेंगे मैदे, कॉर्नफ्लोर, नमक और काली मिर्च का, उसमें डिप करके ब्रेड क्रम में कोट करेंगे और इसके बाद उसको करेंगे फ्राई। बैटर हो चुका है रेडी, तो अब बनाते हैं इसका डिप करने का मिक्सचर। तो उसके लिए 1 कप मैदा, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/2 कप पानी ऐड करके इसका लम्स फ्री एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अब आपने थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इसकी बिग साइज़ की बॉल बनानी है, और इसके बाद आप इसको कोई से भी शेप दे सकते हैं। मैंने इसको डायमंड शेप दी है ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। शेप रेडी हो चुका है। अब आपने इसको डिप करना है मैदे वाले मिक्सचर में, और उसके बाद आप इसको ब्रेड क्रम में करेंगे कोट, और अब इसे करेंगे फ्राई। फ्राई हम इसे मीडियम फ्लेम पे करेंगे। मीडियम फ्लेम पे आप इसे दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जब एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाए तो आप इसको टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। दोनों साइड से अच्छा सा फ्राई होने पर इसे हम कर देंगे रिमूव फ्राइंग पैन से, और अब आप इसे केचप के साथ सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बने, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।